छतरपुर जिले में सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुराने पन्ना नाका पर स्थित एक कपड़ा शोरूम और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान पर शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि सबसे पहले चोरों ने रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में चोरी की, उसके बाद एक अन्य दुकान जैन ब्रदर्स पर भी चोरों ने धावा बोलते हुए महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पार कर दिए, जिसके बाद दोनों ही प्रतिष्ठान के मालिक अमन जैन और लल्ली जैन ने बताया कि चोरों ने लाखों रुपए की कीमत का सामान चोरी कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने कहा है कि पन्ना नाका पर स्थित दो दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है, मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द ही राउंड अप किया जाएगा। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। पन्ना नाके पर एक दुकान में पीछे से कुछ चोर घुसे थे, जिसमें चोरों द्वारा घटना की शिकायत की गई है, जिसका अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और FSL की टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट को बुलाया गया है। कई चीजें समझ में आ रही है, इसमें जांच की जा रही है। घटना इसमें ये हुई, मैं रात में 9:30 बजे मैं अपने घर गया और सुबह आया 11:15 पे। शटर खोली मैंने अपनी, लॉक बराबर देने ले, काउंटर के ऊपर मेरा पूरा माल चल रहा दिखा मुझे। फिर मैंने अपना बढ़िया बाहर से काट लगा, फिर सुन लाइन गया, चोरी हुई है। हमारी दुकान ओल्ड पन्ना नाके पे है, अम्बेडकर चौराहे के पास, और चोरी हो गई है। लाइट की दुकान है।